गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बॉलीवुड स्पाई परिवार की तरफ से, राहुल भोज की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आ रही है और आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में स्पेशली, ये फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा जोर शोर से मनाया जाता है, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यूं तो दोस्तों, यहाँ पर गणेश चतुर्थी में बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, बहुत बड़े बड़े गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ जो कि सबसे बड़े राजा हैं यहाँ के, वो हैं लाल बादशाह राजा। लाल बादशाह राजा दोस्तों, ये परेल एक जगह है दोस्तों मुंबई में, वहां पर बैठते हैं लाल बादशाह राजा, जिनके दर्शन करने के लिए अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर कॉमन जनता हर कोई पहुंचता है और बप्पा के चरणों में अपना शीश नमन करता है और दोस्तों अपने लिए प्रार्थनाएं करता है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लाल बादशाह राजा का जो लुक है हर साल चेंज होता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ नई थीम आती है। पास्ट में हमने देखा था, एक बार उल्लू उनके पीछे था, फिर हमने देखा था शेषनाग उनके पीछे थे, हमने देखा था शंख उनके पीछे था। इस बार की थीम दोस्तों हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की प्रोग्रेस पर है, यानी कि दोस्तों चंद्रयान पर है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्पेस एडवेंचर लग रहा है इस बार गणेश जी का पूरा जो सेटअप रखा है लाल बादशाह राजा का, जहां पर हमारे गणपति बापा को बीच में बिठा रखा है और उनके आसपास एस्ट्रोनॉट है, सैटेलाइट है और ऊपर जो है चंद्रयान का पार्ट लग रहा है दोस्तों। सो ऐसे में मैं अगर जाऊंगा तो आप लोगों को जरूर दर्शन कराऊंगा उसके, लेकिन आप लोग आ रहे हैं कि नहीं मुंबई लाल बादशाह राजा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी आप अपने परिवार, इष्ट मित्रों सभी को हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा। गणपति बप्पा मोरया।